हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट शेयर करने वाली हूँ जो कि कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं और बिल्कुल एक हफ्ते में उनकी कटिंग आप लगा सकते हैं। एक हफ्ते में ही उनकी कटिंग ग्रो हो जाती है। बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट हैं और बहुत ईजी टू ग्रो हैं, बहुत ईजी टू मेंटेन प्लांट हैं और पूरे साल आपके गार्डन में बने रहेंगे, तो बहुत ही अच्छे से प्लांट हैं। तो सबसे फर्स्ट में देखिए, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको ये पर्पल हार्ट, जो कि बहुत ही ईजी टू ग्रो है। कहीं भी इसकी एक ब्रांच गिर जाती है तो ये सभी गमलों में ग्रो हो जाता है। मेरे तो कई सारे गमलों में इसकी ब्रांच ऐसी कभी कभी टूट टूट के जैसे गिर जाती थी। मैंने इसको हैंगिंग में पहले लगाया हुआ था और इतनी जल्दी ये ग्रो हो जाता है। बिल्कुल ईजी टू ग्रो प्लांट है और एक हफ्ते में इसकी रूटिंग हो जाती है बहुत ही आसानी से। तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। और बस छोटी छोटी टिप लेनी है आपको और बहुत बिल्कुल छोटी बड़ी किसी भी तरह की आप इसको लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। तो सबसे फर्स्ट में हमारा यही प्लांट है। उसके बाद देखिए ये कोलियस का प्लांट है। कोलियस पूरे साल आपके गार्डन में बना रहेगा अगर आप इसकी कटिंग हमेशा लगाते रहेंगे तो। जब भी आपका प्लांट आपको लगे कि ज़्यादा उसकी हाइट हो गई, ज़्यादा लंबा हो गया प्लांट, तो आप उसकी ऊपर की कटिंग को लगा दीजिए और एक हफ्ते में इसकी कटिंग बिल्कुल ग्रो हो जाती है। एकदम बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। बिल्कुल सैंड में लगाइए आप इसकी कटिंग को और छाया में रखिए लगा करके, और बिल्कुल एक हफ्ते में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा बहुत ही अच्छा सा। तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है। अगर आप इसकी कटिंग नहीं लगा पाते तो आपसे फिर किसी भी प्लांट की कटिंग नहीं लग पाए, क्योंकि बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है ये। और छोटी से छोटी कटिंग आपको एक नोड भी अगर है, एक नोड होना ज़रूरी है, जहाँ से इसकी पत्तियाँ निकलती हैं उसको नोड बोलते हैं, तो एक नोड होना ज़रूरी है। एक नोड से आप इसको ले करके एक हो दो हो ऐसे करके आप लगा दीजिए तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और इसको घना बनाने के लिए आप इसकी इस तरह से पिंचिंग भी करते रहिए तो ये बहुत ज़्यादा घना हो जाता है प्लांट। देखिए एक ही प्लांट है मेरा, कितना ज़्यादा घना हो गया है। तो मैं इसकी पिंचिंग हमेशा करती रहती हूँ और कटिंग भी बीच बीच में लगा देती हूँ ताकि मेरे नए प्लांट तैयार होते रहें। पूरा प्लांट साल भर नहीं चल पाता है, लेकिन इसकी जो हम कटिंग लगाते रहते हैं तो ये हमारे गार्डन में पूरा परमानेंट की तरह बना रहता है ये प्लांट। इसमें कलर वैरायटी भी आपको बहुत सारी मिल जाएगी। मेरे पास भी कई सारे कलर हैं। देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा कलर है, एक ये है। तो सारे ही कलर आप इस तरह से लगा करके बहुत सारे प्लांट अपने गार्डन में बना सकते हैं। इसके बाद देखिए ये है एक सीडम ग्रास, ये सकुलेंट है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ भी बहुत खूबसूरत लगता है और आप पॉट में भी इसको लगा दें, आप इसको ग्राउंड कवर के लिए भी लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा होता है प्लांट और ग्रीनरी और इसकी पत्तियाँ जो इतनी फ्लफी सी लीफी, मतलब कि एकदम जेल भरा होता है इनकी पत्तियों में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। आप इसको भी छोटी 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 कटिंग लगा करके इसको ग्रो कर सकते हैं और ये भी बस तीन चार चार पाँच दिन में ही इसमें भी रूटिंग हो जाती है। बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये है वाइंडिंग ज्यू, ये भी बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। छोटी से छोटी कटिंग इसकी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और एक एक नोड अगर इसमें भी है तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, इसको भी आप ग्राउंड कवर भी लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है और बिल्कुल एक हफ्ते में इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, एक हफ्ते से पहले ही हो जाती है। और रेनी सीजन में तो इसमें भी यहाँ से सब जगह से रूट्स निकली रहती हैं, तो बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। उसके बाद देखिए ये है टर्टल वाइन। आप टर्टल वाइन को भी बहुत ईजी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इतनी जल्दी ये ग्रो हो जाता है। बिल्कुल छोटी से छोटी कटिंग भी आप इसकी लगा देते हैं। अभी देखिए इसमें कितनी सारी रूट्स इस तरह से निकलती हैं और आप कहीं भी इसको ज़मीन में बस ऐसे गमले में टच करके रख देंगे तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। मेरे तो सारे ही गमलों में ये गिर जाती है जैसे इसकी ब्रांच, तो अपने आप ही ये ग्रो होती रहती है। तो बहुत ही आसान है इसको ग्रो करना और बहुत ही अच्छे सुंदर लगते हैं इसके प्लांट। तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। छोटी से छोटी कटिंग अगर आपको मिल जाती है तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसके बाद ये देखिए बेबी टीयर्स, ये भी बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसकी भी एक एक ब्रांच अगर छोटी छोटी से गिर जाती है, कहीं भी रख देते हैं हम, तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। और कोई केयर भी नहीं होती है इसकी, बस आप हफ्ते में एक आध बार पानी इसको दे दीजिए। हफ्ते दो तीन चार दिन में, मतलब तीन चार दिन तो पानी देने ही नहीं पड़ता है, तीन दिन चार दिन एक हफ्ते में, तो एक एक हफ्ते में ही पानी डालती हूँ। और बहुत ही आसान है इसको ग्रो करना और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, आप इसको ग्राउंड कवर में भी लगा सकते हैं। आपके पास अच्छी स्पेस है ज़मीन में तो उसमें भी आप इसको लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा प्लांट है और छोटी से छोटी कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। बस आप इसको सैंड में लगा दीजिए, मिट्टी में लगा दीजिए, कहीं पर भी लगा दीजिए। थोड़ी सैंडी सॉइल होनी चाहिए तो बहुत आसानी से अच्छे से ग्रो होता है। उसके बाद ये देखिए ट्रायंगल हार्ट है।
ये भी बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है और छोटे से छोटी कटिंग है तो लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाते हैं। ये देखिए इसकी लीफ इस तरह से होती है फ्लफी सी और सकुलेंट ही है ये भी। तो ये जितने भी हमारे सकुलेंट के प्लांट होते हैं वो सारे ही लीफ से प्रोपोगेट हो जाते हैं। तो बहुत आसानी से ये लीफ से प्रोपोगेट हो जाते हैं। लीफ से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और कटिंग से देखिए इस तरह से नोड से सब जगह से इनमें रूट्स आती है और बहुत आसानी से ये भी ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट हैं जो कुछ बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। एक प्लांट हमारे ये भी देखिए, ये भी सीडम की ही वेरायटी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाए। अभी रेनी सीजन में तो इसमें देखिए सब जगह से इस नॉड से रूट्स निकलती है इसमें भी। ये देखिए यहाँ से भी निकली हुई है, ये देखिए कितनी सारी यहाँ पे रूट्स निकली हुई है। तो आप इसको छोटी से छोटी कटिंग इसकी अगर आप लगा देते हैं तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। जितने भी आपके सकुलेंट के प्लांट हैं आप सभी को इस तरह से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही ग्रो अच्छा, मतलब बहुत ही जल्दी ग्रो होने वाले प्लांट है ये भी। तो आप इनको भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए मनी प्लांट है, तो मनी प्लांट को भी आप एक हफ्ते के अंदर ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट होते हैं ये। और देखिए मैंने इसकी कुछ कटिंग लगाई है और यहाँ पे मैंने इनको लगा दिया है, देखिए बहुत अच्छे से ये इस तरह से ग्रो हो गई हैं। तो बहुत ही आसान है इनको भी ग्रो करना। आप छोटी से छोटी कटिंग, एक एक लीफ से, मैंने तो इनको एक एक लीफ से प्रोपोगेट किया था, नॉड एरिया से कट करके एक एक लीफ यहाँ पर लगाया था और ये देखिए सारी एक एक लीफ करके लगाई थी मैंने। और बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं और बिल्कुल एक हफ्ते में ही ग्रो हो जाता है। उसके बाद देखिए ये है फिलोडेंड्रॉन, आप इसको भी कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं और ये भी बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से ग्रो होने वाले प्लांट है। तो इनको भी आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने इसके भी दो प्लांट बना लिए हैं, इसी में मैंने दोनों को लगा दिया है एक साथ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो बहुत ही जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है। और उसके बाद है हमारे सिंगोनियम। सिंगोनियम को भी आप इस तरह से, इनकी तो हमेशा रूट्स निकली निकलती ही रहती हैं, जैसे यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए साइड से इस तरह से रूट्स निकलती रहती हैं। ये देखिए यहाँ से निकली हुई है, तो आप वहाँ से कट करके इनकी ब्रांच को और लगा देते हैं तो बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं और एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको आप सिर्फ एक हफ्ते में ही ग्रो कर सकते हैं, इतनी आसानी से और इतनी जल्दी ग्रो होने वाले प्लांट हैं। तो बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट हैं, तो आप इनको अपने घर में लगाएं और बहुत ही सुंदर से प्लांट हैं। उसके बाद ये देखिए पोर्चुलाका के प्लांट हैं, आप पोर्चुलाका को भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर इनकी भी कटिंग बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। तो पर्सलेन है, पोर्चुलाका है, जो भी हैं आप उनको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए ये पोर्चुलाका है और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। अब वैसे इनका सीजन थोड़ा जाने वाला है, मेरे यहाँ तो वैसे खिलते रहते हैं, एक आध महीने जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तभी ये नहीं खिलते हैं, नहीं तो हमेशा खिलते रहते हैं। तो आप इनको 12 महीने पूरे साल भर चलने वाले प्लांट हैं, आप इनको कटिंग से लगा करके नए प्लांट्स बना करके सेव कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए इस तरह से। और बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट है जो कि बिल्कुल एक हफ्ते में ही इनकी कटिंग भी तैयार हो जाती है। यहाँ पर देखिए ये पर्सलेन है, पर्सलेन भी इसी तरह से है जैसे पोर्चुलाका को हम बिल्कुल इजी टू ग्रो प्लांट है, उसी तरह बहुत आसानी से इसको भी हम ग्रो कर सकते हैं। और मैंने इनको देखो सेव करने के लिए इनको ये कूलर का एक टैंक था, इसी में सारे को ही लगा दिया है। थोड़ी थोड़ी इनकी मैं कटिंग कर दूंगी और थोड़ा इनको फर्टिलाइज़र दे दूँगी, क्योंकि जब मैंने इनको लगाया था कटिंग तभी मैंने थोड़ा बहुत लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था, उसके बाद मैंने इनको कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया और ये बहुत अच्छी तब भी से फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जो बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और हमारे गार्डन की शोभा भी बहुत बढ़ाते हैं अच्छे से। उसके बाद ये देखिए ये है अजवाइन का प्लांट, इतना इजी टू ग्रो प्लांट मैंने शायद ही देखा हो कहीं पे, इतना ज़्यादा, मतलब आप इसको काट के फेंक भी देंगे तो जितने प्लांट मैंने आपको दिखाए सारे ही ऐसे ही कंडीशन है, उनको काट के हम कहीं भी फेंक देते हैं तो भी वो वहीं पर ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से ग्रो, लीफ से भी ये प्रोपोगेट हो जाता है और कटिंग से तो इतनी आसानी से ग्रो होता है कि मैंने कटिंग कट कर करके कहीं भी छोड़ दी है तो वो वहीं पर उसी गमले में वैसी जिस पोजीशन में मैंने उनको रखा है उसी पोजीशन में वो लग करके फिर से तैयार हो गई हैं। तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल जो हमारे किचन में अजवाइन होती है उसी के जैसे लगती है, लेकिन ये उसका प्लांट नहीं है और सलाद वगैरह में इसका यूज किया जाता है। लोग इसका मतलब कि फ़ायदे इसके बहुत सारे हैं और बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। सकुलेंट फैमिली का प्लांट ये भी है और देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत होता है, कितना ब्यूटीफुल से प्लांट होता है, बिल्कुल जैसे सकुलेंट ग्रो होते हैं उसी तरह से ये भी ग्रो होता है। ये देखिए ऊपर से आप कट कर देंगे तो नीचे से और ज़्यादा घना हो जाएगा, तो इस तरह से इसकी प्रोपोगेशन होती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है। तो मैं तो छोटी छोटी कटिंग से ही लगाया था मैंने और अब इतने सारे मेरे हर गमले में ये ग्रो हो जाते हैं अपने आप ही, कहीं भी जैसे एक्स्ट्रा ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मैं तोड़ के रख देती हूँ कि बाद में मैं कंपोस्ट बिन में डाल दूंगी, लेकिन वो गमले में ही रखा रह जाता है तो वहीं पे वो ग्रो हो जाता है। और देखिए छोटी छोटी नीचे से कितनी सारी ब्रांच निकल रही है, बहुत प्यारी सी है इधर भी इस साइड भी।
तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, तो आप इनको बहुत जल्दी आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इतना ज़्यादा यानी आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट है कि बहुत अच्छे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जितने भी प्लांट मैंने आपको बताया सारे ही परमानेंट प्लांट हैं और बहुत आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट हैं। तो आप भी कटिंग लगा कर, इनकी छोटी छोटी कटिंग लगा कर आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।